চলছে লকডাউন, আর এই টানা লকডাউনের জেরে এমনিতেই সমস্যায় পড়েছে চা বাগানের শ্রমিকেরা। তার উপর শ্রমিকেরা রেশন কম পাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠল কালচিনি ব্লকের নিমতিজোড়া চা বাগান থেকে। বাগানের শ্রমিকদের অভিযোগ যে তারা দীর্ঘ প্রায় ৬ মাস যাবত ধরে কম রেশন পাচ্ছে। তাদের প্রাপ্য ৩৫ কেজি রেশনের জায়গায় ২৭ কেজি রেশন মিলছে, প্রতি মাসে ৮ কেজি রেশন কম পাচ্ছে তারা। बताइए क्या समस्या है यहाँ पे? ऐसा समस्या ये है कि हम लोग का यहाँ पे निमतीजोड़ा चाय बागान में, मतलब हम लोग का बागान में इतना ज़्यादा लेबर है, और ज़्यादा लेबर है जैसे 900 कितना लेबर है, वहाँ से गेन 600 का लेबर का, 600 करीबन लेबर का वेतन मिलता है, उसमें से डिस्पूट करता है 900 लेबर का, तो वो लोग का भी थोड़ा मतलब कम मिलता है रेशन ना, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। 35 केजी भी नहीं मिल रहा है, जैसा कितना 7 केजी कम मिल रहा है। 35 केजी में 7 केजी कम दिया गया, 35 केजी में 7 केजी कम मिल रहा है। क्या समस्या है बोलिए? इसका राशन नहीं मिलता है, तो राशन का तो भर दिया है फॉर्म, तो उसके लिए चिरकुट दे दिया। उसका हस्बैंड भी नहीं है, बच्चा कुछ कोई भी नहीं है, तो वो अकेले रहता है, क्या खाएगा राशन नहीं देने से? अभी क्या हो रहा है, कैसा समस्या हो रहा है? बीघा कम है बगल में, अभी राशन नहीं दिया जा रहा है। বর্তমানে টানা লকডাউনের জেরে এমনিতেই তারা সমস্যায় রয়েছে, তার উপর কম রেশন পাওয়ায় বেজায় সমস্যায় পড়েছে তারা। এছাড়া এমন অনেক অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক আছে যারা কিছুই পাচ্ছে না। সমস্যা হরে আপলোগ বতাইয়ে দিন। আমার কোনো নি মিলেলা, আমার আলদা মিলেলা, আমার সাইজ মানছে, আর কোনো নি মিলেল, ঘর গুড়া বেসনে হে, কোমর গুড়া বাহারে যায় হে। কাহান গায়া হুয়া? বাহার কাম করনে গায়া। अभी क्या समस्या हो रहा है अभी फिलहाल? हम कनों ने खाए छे कोने से मिलने कमाईला से मन के खाईला से बांध दे जाए, हिने हमने काम भी कहां जा। का मालिक फार्मर था खरी मुंडा, तो उसका रिटायर हो गया, 5-6 महीना हो गया रिटायर हो लगे, तो उसका राशन पानी कम नहीं मिला से कोनो बात से। अभी क्या समस्या हो रहा है आप लोगों? खाने के नहीं है घर में, अभी समस्या हो रहा है। क्या बोल रहा है, क्यों राशन नहीं दे रहा आप लोगों को? काम नहीं है बगान में, तो हम लोग को नहीं मिलेगा ऐसा बोलता। শ্রমিকদের এই অভিযোগ শুনে বুধবার বিকেলে নিমতিজোড়া চা বাগানে পৌঁছান তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি অসীম মজুমদার সহ তৃণমূলের কালচিনি ব্লকের নেতৃত্বরা। অসীম মজুমদার জানান, শ্রমিকদের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যাটা জেনে আমরা চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও ফুড ইন্সপেক্টরের সাথে কথা বলেছি। আগামী মে মাস থেকে শ্রমিকেরা পুরো ৩৫ কেজি রেশন পাবে। इंस्पेक्टर ने बागान को जो मैनेजमेंट उनको बुलाया, बोला कि इसको एक रास्ता निकाल लिया, जो जितना भी कम आदमी लोग का रेशन मिल रहा है उसको शायद ये मई महीने से जो रेशन होगा उसमें रेशन उनको पूरा रेशन मिलेगा, इसका व्यवस्था उनके उनके द्वारा ये किया गया। इनको साथ में हम आज इसलिए यहाँ पर आया है मुलाकात करने के लिए, जो बुजुर्ग है इनका क्या समस्या है, कितना रेशन इन लोग का कमती मिलता है, ये जानकारी के बाद फिर हम काल में इंस्पेक्टर से बात करके निमती भवन का वारकार को पूरा रेशन मिले इनका व्यवस्था करने के लिए इन लोग से मुलाकात करने आए हैं। এই বিষয়ে নিমতিজোড়া চা বাগানের রেশনের দায়িত্বে থাকা বিক্রমজিৎ চক্রবর্তী জানান যে ২০১৬ থেকে এই সমস্যা চলছে। শ্রমিক আছে ৮৫০ জন, কিন্তু আমাদের কাছে ৬৫০ জনের রেশন আসে, তাই আমরা ৬৫০ জনের রেশন ৮৫০ জনের মধ্যে বণ্টন করে দিই। এমন কয়েকজন আছে যাদের রেশন ডিলার কালচিনি বা হ্যামিল্টনগঞ্জে চলে গিয়েছে, এজন্য এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। আলিপুরদুয়ার থেকে ভয়েস আপ কি আওয়াজের প্রতিনিধি বিবেক শার রিপোর্ট।